भाई गांव का मेन बात तो थी जी, यहाँ पे गांव का कोई कैंडिडेट होना चाहिए, उस बात पर कोई बात नहीं करता, कोई उसने यो करवाया उसने वो करवाया, ये बात आओ हमारे बवानी खड़ा कैंडिडेट जरूर होना चाहिए। मुद्दा था भाई ये कि बवानी खड़ा के अंदर जो हमारा हमारा मतलब उम्मीदवार होना चाहिए, किसी भी पार्टी का होना चाहिए, लेकिन मुद्दा यो बना दिया, उस पार्टी ने इतना काम करा, उस उम्मीदवार ने इतना काम करा, उसने इतना करा। हाँ भाई भाई साहब देखो सरकार के बीजेपी ने बहुत घने काम करे, विधायक के काम जीरो है। फिर हम सिर्फ एक निष्पक्ष बात कराएंगे, अगर ये नुका है भाई फौजी नहीं हो कर विसंबर ना हो कर उसकी तुलना ना करो, हम तो हमारा गांव का विधायक चाहो, हाँ गांव का विकास हो। नुका है दिल्ली एक 20-20 दिन हो गए पड़े, दिल्ली तो नब्बा पड़े, कांग्रेस के नब्बा के नब्बा मिल जाएगी, दिल्ली पढ़ना था टिकट मिलती सारे, हम ही मैं जाके पढ़ जाए दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली पढ़ना टिकट को नहीं, जिसका बोर्ड से होना मिलेगी और गांव सहयोग करेगा उसका पूरा भाई, यानी कि भाई एक आदमी का झोला भरांगे बिगाड़े, यानी कि भाई जो गांव राम ने उम्मीद थी कि भाई पंचायत हम नो करांगे, लेकिन यो तो राजनीति के में बसल के रह गया भाई। नहीं आज की जो पंचायत थी भाई उस पंचायत का सिर्फ और सिर्फ यो मुद्दा था कि प्रॉपर शहर बोवाणी खेड़ा का आदमी का टिकट मिले और उसका पूरा बोवाणी खेड़ा साथ दे होगा, ठीक है। अगर बोवाणी खेड़ा तय बाहर तय बंदा ने किसी ने भी टिकट मिला है तो बोवाणी खेड़ा की पंचायत निर्णय ले होगी कि किसको वोट दे। वो तो लोग ये आ रहे थे थोड़ी देर पहले आए, हमने नहीं बरा किस पार्टी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आप लोग बताना लग रहे हो, वो कहने लग रहे बिल्कुल ये काम नहीं हुआ बीजेपी की सरकार में, बिल्कुल सच्चाई है कि मैं काम नहीं हुआ, बिना अड्डी जी वह कुछ भी बोल सकता कोई भी काम देखो। वो आ रहे थे भाई साहब थोड़ी देर पहले आए गुनगान करने लग रहे थे सारा का सारा भाई, जब रामकिशन फौजी थे तो ये होया, तो इनमें काम को नहीं आ गई साहब बवानी खेड़ा में। आज की जो महापंचायत थी ना, बताओ आज की जो महापंचायत थी इसको महापंचायत नहीं कह सकते, ये जो कांग्रेस के बंदे थे ना नुमाइंदे थे कांग्रेस के, उनने हाईजैक कर रखी थी। आपने नोट भी करी होगी, आटा बोलन ये स्पेशल और स्पेशल कांग्रेस के थे, किसी की भी बाइट को नहीं आई बीजेपी वाली की। बीजेपी सरकार में गरीब घर का बालक लग गया है, ठीक है, कांग्रेस सरकार हो अगर दी आपने सुना भी होगा, ठीक है, उनके जो बड़े नेता आगर दे नुका आगर दे किसे पार्टी के चमचे आड़ ना आया करो मीटिंग की मीटिंग सुने 18:30 सुनो अंकल है एक मिनट भाई मिलका सुने एक मिनट साढ़े मिलका भाई सुनो न्यूज मीडिया साढ़े भाई 18,500 वोट है 18,500 में के 150 वोट आके नुक दे हम गांव के मालिक हो गए, हम टिकट दुआ ले 150 आदमी आते टिकट कौन मिला भाई। सुनो भाई जय श्री श्याम गांव राम टिकट दुआ ले भाई डर जाओ भाई आप लोग का सुन रहा राम राम जी राम राम ठीक ठाक हो बढ़िया जी। तो आपने भी बड़ी ताल ठोक रखी है बवानी खेड़ा से अगर बात करें कपूर वाल्मीकि जी। हाँ जी मैंने पिछली बार भी ठोक रखी थी, बस थोड़ी ही कसर रहेगी, अरे कड़ा भी लग रहा हूँ लाइन में के लग गया है, उम्मीद है लाडू फूटा का भोरा ठा होगा, बिल्कुल कोशिश करना फर्ज होता है, कोशिश करने वाले की यार नहीं होती, हमारा काम है कोशिश करना, बाकी ऊपर नेतृत्व ने देखना है क्या करना है, सोच समझ के दस्तीगढ़ से या किसी से भी किसी तरीके से भी अपना सिस्टम बना के टिकट देगी तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, पूरा मेरा शहर और पूरा हल्का क्षेत्र तैयार है, क्योंकि मैंने 25 साल हो गए हल्के की सेवा करते हुए और अब भी मैं लग रहा हूँ, तो अगर जा आशीर्वाद होया तो ज़रूर लड़ेंगे, किसी भी हमारे शहर के साथी को मिलेगी तो भी हम तन मन धन से उसकी के साथ लगेंगे। आपकी अगर मैं बात कर लूँ के सोच के आपने पार्टी टिकट दोगे के सोच के आपने लोग वोट देंगे, मैंने अपना सिस्टम देख के ना ये फैसला लिया, मैंने फैसला लेते समय मैं सिर्फ भगवान से पूछता हूँ जनता से पूछता हूँ, अगर मेरी जनता खुश है मेरा शहर खुश मेरा गांव राम खुश है तो मैंने उस पर चलना पड़ेगा। उससे पहले किसी और गरीब का बालक कौन लग गया, आपने नोट भी कराया होगा, और बीजेपी सरकार में गरीब तबके का हर एक बंदा लग गया जिसने मेरिट बेस पर नौकरी लगी है, हर घर से नौकरी है, जिसने मेहनत करी है बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिली है। बिल्कुल तो भाई निष्पक्ष ना ही पक्ष के साथ ना ही विपक्ष के साथ, हमें बिल्कुल सच के साथ आज मौजूद है भाई दादू नगरी भवानी खेड़ा के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, मैं आपका भाई कपूर संजय वर्मा के साथ। भाई हरियाणा का चुनावी बुगुल है वो बिल्कुल बज चुका है, पारा 101% 100 मतलब टप लिया है लगातार, जो भवानी खेड़ा में पंचायत होने लग रही है आए दिनों, आज मेरी ख्याल से तीसरी पंचायत आज रखी गई थी, पूरा का पूरा भवानी खेड़ा की हॉट सीट बन रही है,
सारे के लाइव भाई हमारे साथ भवानीखेड़ा से। भवानीखेड़ा की अगर मैं बात करूँ, रिजर्व हल्का इसको बताया जाता है, और ऐसा कह रहे हैं कि जब से हरियाणा पंजाब से अलग हुआ एक बार भी यहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं बना, लगातार जो पंचायत पे पंचायत, पंचायत पे पंचायत। तो बातचीत कर लेते हैं भाई, काफी उम्मीदवार जो आज यहाँ पर इकट्ठा हो रखे थे। हाँ जी, राम राम। राम राम। सबसे पहले तो मैं आखर मीडिया न्यूज को बधाई देता हूँ जिन्होंने आज हमारी महापंचायत को कामयाब करने का काम किया। जी प्रधान जी, किस उद्देश्य से? लगातार वो ही मुद्दा है, वे मानस है, तीसरी पंचायत भवानी। पंचायत तीन की जगह चार, पाँच, दस, चाहे बीस महापंचायत इस शहर को करनी पड़े। शहर का एकमात्र मिशन, एकमात्र मकसद है, 20 से 25 हज़ार वोटर हमारे शहर के हैं। हमारे शहर ने बिल्कुल मना लिया है कि अब की बार विधायक जो भवानीखेड़ा हल्के का हो, वो हर कीमत पर भवानीखेड़ा शहर का होना चाहिए। किसी भी पार्टी से हो, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से हो नुमाइंदा भवानीखेड़ा शहर का। भवानीखेड़ा शहर का ही क्यों प्रधान जी, अगर मैं बात कर लूँ और गांव है 55-56 गांव जो आ रहे हैं, भवानीखेड़ा का ही? ऐसा है सर, भवानीखेड़ा इसलिए है क्योंकि हल्का भवानीखेड़ा है। भवानीखेड़ा ने पिछले जितने दिन से ये विधानसभा बना है सभी को दिया है, अब इसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि ये अब की बार लेने का काम करें। हमने पहले इधर से शिवपर से रामकृष्ण फौजी को बनाया है, उधर से खरकलंगा से विश्वम्भर वाल्मीकि को बनाया है, उससे पहले यहाँ हल्के से बाहर के श्री चौधरी जगन्नाथ जी और चौधरी अमर सिंह धाणक को बनाया है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब चाहते हैं हमारे घर का ही बच्चा हो जो हमारी पैरवी कर सके, क्योंकि यहाँ जो मेजर समस्या है ना वो बाहर वाले नहीं उठा पाए। हम आपको ध्यान आकर्षित करवाता हूँ, सबसे पहले यहाँ 7-8 उपमंडल बने थे, लेकिन उनमें से सिर्फ भवानीखेड़ा और कनानौर को नहीं बनाया गया। यहाँ सुंदर ब्रांच नहर का पानी की समस्या है, ये कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र होने की वजह से पानी की समस्या बड़ी जटिल है। नगर पालिका भवानीखेड़ा में इतना भ्रष्टाचार है, क्या अगर हमारा यहाँ का नुमाइंदा होता तो हमारी पैरवी करता और ये उपमंडल बनता और यहाँ सुंदर ब्रांच का पानी मिलता? शिक्षा का ध्यान किया जाए, शिक्षा यहाँ वोकेशनल हुआ करती, वो बाहर चलेगी। हम नहीं चाहते कि भी वहाँ भी बननी चाहिए, लेकिन यहाँ भवानीखेड़ा शहर है, इस यहाँ नगर पालिका के साथ साथ शिक्षा का जो महिला कॉलेज बना है उसके साथ बॉयज़ कॉलेज होना चाहिए था, पॉलिटेक्निक होना चाहिए था और आईटीआई होना चाहिए। एक उद्योग की कमी है, हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यहाँ लघु उद्योग की बहुत बड़ी समस्या, अगर यहाँ का नुमाइंदा होगा तो सब कार्य फटाफट होंगे। इसलिए यानी कि भाई जब से जो हरियाणा अलग हुआ है तब से ऐसा कह रहे हैं कि बहुत ही पिछड़ गया भवानीखेड़ा। अगर मैं बात करूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, जो विकास होना चाहिए था भवानीखेड़ा के अंदर वो नहीं हुआ। लगभग 23,000 प्लस वोटों की संख्या यहाँ पर बताई जाती है और 30,000 की आबादी का ये क्षेत्र है। लगातार जो कह रहे हैं कि भाई हमें कभी किसी को वोट दिया, कभी किसी को वोट दिया, तो अब 2024 में क्यों एक्टिव हो गए जी? 2024 चुनाव का बिगुल साल आया, उसमें क्यों एक्टिव हुए? बिल्कुल हम परेशान हो चुके थे, अंत में शहर ने बिल्कुल यह निर्णय बनाया कि अगर शहर का ही नुमाइंदा होगा वही शहर का विकास कर सकता है, दूसरा हमारी तरफ कोई भी विकास की शहर के बारे में कोई भी नहीं सोचता। और भी मैं बात करूं भाई साहब, राम राम। राम राम जी। भाई साहब आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं जी। तो भाई साहब के निष्कर्ष निकले आज की अगर बात करें? आज की अगर हम बात करते हैं, जब पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में देख लो आप, जिसको बोलते हैं हमारे शहीद गुलाब सिंह पार्क, जो शहीद हो चुके हमारे गुलाब सिंह जी, आज इस पार्क की मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप जहाँ खड़े हैं उसी की बात करता हूँ मैं। इस पार्क की हालत देख लो, कहाँ से आपको पार्क नज़र आ रहा है, कहाँ से पार्क नज़र आ रहा है, कहीं से कोई पार्क नज़र नहीं आ रहा। और ज़्यादा लंबी बातें खींचूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, कमियाँ इतनी हैं। हमारा शहर अब पिछड़ चुका है, शहर की जनता ने मन बना लिया है। सच्चाई बात यह है, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी हमारे भवानीखेड़ा शहर में टिकट देती है, भवानीखेड़ा शहर उसके साथ तन मन धन से उसके साथ है। अगर नहीं देती है तो भवानीखेड़ा की फिर एक बार महापंचायत होगी, भवानीखेड़ा की सम्मानित जनता जो फैसला लेगी वो हमारे को सर्वोपरि होगा। और अब आप बात कर लेते हैं, आप चले जाओ फायर ब्रिगेड बना के रख दिया, बिल्डिंग जर्जर होगी। एडगेवा हॉल बना के रख दिया, बिल्डिंग जर्जर होगी। कोई उद्घाटन करने वाला नहीं आया, माई का बाप कोई नहीं आया। कान मुकान में नुका अगर भाई कोई विधायक बन जा, कोई मंत्री बन जा, कम से कम हल्का में लोगों का दौरा कान मुकान में कितने बैठन तो आ जा सुसरा। आज तक मैंने पूछ ले कि आप माइक लेके पूरे रोड पर घूमोगे ना, किसी ने पूछ ले विश्वम्भर वाल्मीकि न जाना है भाई? उन्होंने कहा कौन विश्वम्भर वाल्मीकि, हम जान दे नहीं, न तारा विधायक नहीं, हमने कहा सकलते कौन देखा,
सच्चाई बात तो ये है। तो रही बात हमारे विकास की, हम हमारे बवानीखेड़ा शहर ने मन बना लिया है कि बवानीखेड़ा शहर का, पूरे हल्के का अगर कोई विकास कर सकता है तो बवानीखेड़ा शहर का विधायक ही कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। विधायक किस पार्टी, तो विधायक बात कर लो, विधायक हमारे को किसी पार्टी से हो, कोई भी पार्टी हमारे को टिकट दे दे, राष्ट्रीय पार्टी से कोई पार्टी हमारे को टिकट दे दे, बवानीखेड़ा शहर में बवानीखेड़ा शहर तन मन धन से उसके साथ लगेगा। लगता है आपको राष्ट्रीय पार्टी टिकट दे देगी? काफी अन्य जो हाइट जो बताई जाने लग रही है हरियाणा में कांग्रेस की और बीजेपी की बताई जाने लग रही है, इनके अलावा अगर मैं बात करूँ काफी अन्य पार्टियां उन तक अगर कोई उम्मीदवार टिकट लिया उसका स्थिति भी है बवानीखेड़ा? बिल्कुल, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, अगर कोई पार्टी जो बवानीखेड़ा शहर की जो महापंचायत फैसला लेगी वो बवानीखेड़ा की शहर की महापंचायत का फैसला वो होगा, सर्वोपरि होगा हमारे लिए, उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, और भी मैं बातचीत कर लूँ भाई, काफी मुद्दे हैं, मुद्दा सेम है चुनाव को लेकर। हाँ जी, गांव से अगर बाहर जाऊंगा, आज टिकट की बात नहीं, अगर और चीज़ से भी अगर बाहर निकलूंगा शहर से, हमारे पंचायत से, गांव से, हमारे शहर से, तो फिर मैं कहां जाऊंगा अकेला, कौन मेरी सुनेगा? मेरा फैसला सिर्फ हमारे शहर पे है और शहर जहाँ जो भी कहेगा मैं जहां बैठने के लिए कहेगा वहां बैठूंगा, जहां खड़े होने के लिए कहेगा मैं वहां खड़ा मिलूंगा, मैं उसमें कोताही नहीं बरतूंगा। राजनीति ताने जाने वाली चीज़ है, 5 साल में फिर बदल जाएगी, 5 साल में फिर बदल जाएगी, मान सम्मान की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, जहाँ जन्मभूमि है उससे अगर पीछे हट गए, उससे में अगर हम डिस्प्यूट कर दिया, उसी में हमने अगर तालमेल खराब कर दिया, दूसरा हमारे बाहर कौन समझेगा, हमारे हमारा घर ही खराब कर लेंगे तो हम दूसरे को जाके क्या शिक्षा देंगे? जी बिल्कुल, और भी हाँ जी आपकी सुन, जब से बवानीखेड़ा हल्का घोषित हुआ अनिवार्य कक्षों में, तब से आज तक बवानीखेड़ा बसिंदे को टिकट नहीं मिली। अब महापंचायत बवानीखेड़े की बसिंदा चाहती है ये बात, ऊपर वाले सोचो हाईकमान, इस बात पर पूर्णतया से गौर करो, ना तो हाईकमान को जो है ना लॉस है। बिल्कुल, यानी कि भाई पूरा का पूरा बवानीखेड़ा का अगर गाम राम हुआ, अगर जो फैसला ले ले है गाम राम, राम का मतलब राम में सबकी में आ जा भाई, सारा का सारा गाम राम जो आज आड़े इकट्ठा हो रहा था और फूल चढ़ाने का काम किया, अलग अलग जो उम्मीदवार थे पार्टी एक के थी, बात कर लो मनमोहन बुरटाना भी थे, कपूर वाल्मीकि भी थे और भी काफी अन्य उम्मीदवार जो थे, तो बातचीत कराएं मनमोहन जी, राम 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 जी। और जी कैसे? बहुत बढ़िया, आपके आखिर हरियाणा चैनल को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं, उनके श्रोताओं को शुभकामना देता हूं बवानीखेड़ा गांव की तरफ से, कि आपने यहां आकर के हमारे गांव की कस्बे की जो आवाज़ को उठाने का काम किया है, इनकी भावनाओं को हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचाने का काम कर रहे हो, उसके लिए आपका हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जी मनमोहन जी, मैं बात कर लूँ जी, दो दो उम्मीदवार हो गए जी, एक के पार्टी था के लग गए, अगर टिकट तो भी शेष एक ने मिलनी है जी, एक को मिलेगी क्या लगता है आप, उनका साथ देंगे या टांग खींचने का काम करोगे? नहीं देखो, हमारा जो गांव है उसने कभी टांग नहीं खींची, हमारे गांव का एक विचार है, हम सामूहिक रूप से जो पंचायत, जब गांव के सभी मौजीजान ने एक माला के जो मोतियों की तरह से एक सूत्र में बंधने का काम किया है, तो उसमें टांग खींचने का ना तो किसी की तरफ से कोई विचार ही पैदा नहीं होता, हम सामूहिक रूप से एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं और हमारी सबसे बड़ी मांग गाँव की यही है कि हमारा गांव बड़ा है और आसपास के जो गांव हैं हम उनके सहयोग से उनसे समर्थन लेकर के और हम केंद्रीय नेतृत्व से हमारे गांव के अंदर नेतृत्व देने की बात करेंगे, तो इसके अंदर हम सभी सामूहिक रूप से बड़ी ताकत के साथ में एक संगठित हैं। जी मनमोहन जी, देखो सारे का टिकट फाइनल है, फाइनल हो रही है, सपोज करो 99 मत एक पॉइंट मत मनमोहन बुलटाना टिकट ना मिला है, इस एनए ने मिल जाए तो क्या करेगा मनमोहन जी? देखिए, टिकट निश्चित रूप से हमारे गांव को आनी है, हमारा भरोसा है, गांव की भावनाएं हैं और ये विश्वास है, और गांव का जो संगठन आज आपने देखा, नफरी देखी गांव की, तकरीबन 1000 से ऊपर हमारे गांव के मौजीजान लोग थे, गांव की करीम थी, गांव का नेक्स्ट जो पंचायत होगी उस गांव के अंदर बच्चा बच्चा, और ये देख लेना इस पार्क के अंदर आपको तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, तो सभी का एक विचार है, गांव के अंदर अवसर मिलेगा और जिस भी भाई का अवसर मिलेगा हम तन मन धन से उसका साथ देंगे, चाहे किसी भी स्तर पर। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी भाई इतिहास जो है बवानीखेड़ा की धरती का अगर मैं बात कर लूँ तो, और भी बातचीत कर लेते हैं जी आपसे, कराएंगे जी एक बढ़िया आऊँगा मैं भी। हाँ जी चेयरमैन साहब, राम राम। राम राम जी, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक है जी। तो बड़ा इतिहास है बवानीखेड़ा धरती का, आज सारा का सारा गाम राम इकट्ठा हो रहा था और काफ़ी घोषणाएं भी कर दी गई, किसी ने 5 लाख देने की घोषणा करी, किसी ने 1 लाख की, किसी ने 10 लाख किस डाल की। ऐसा है जी, अच्छी बात है गाम राम ने पहल की, मैंने तो माइक मिला था 2 मिनट, मैंने उसमें भी अपने विचार रखे थे, कोई भी आज आप एक बच्चा ने अपना ने पहली कक्षा में दाखिल करावा तो 1 साल बाद वो दूसरी कक्षा में होगा, बीए की डिग्री को नहीं मिलती। मेरा एक ही बात कहना है, कोई भी चाहे खिलाड़ी हो मैदान में प्रैक्टिस करता जब अधिकर के ऊपर जाता है, गाम राम मेहनत करे
उसमें से आदमी सामने आए और मेहनत करके आगे आदमी ऊपर नाम चमकेगा तो टिकट अपना आप दे देगी, गांव न मांगने की जरूरत भी कौन, क्या सारे ऐसे इतिहास हैं भाई गाँव गाँव टिकट मांगने जाता जब उनको टिकट मिलती है, नहीं होगा ऐसा। हम तो एक कहा भाई सारा गांव विकास दिए और जो आदमी विकास करांदा होना है उस आदमी ने बनाओ उसने वोट दो। बिल्कुल प्रधान, और भी बातचीत कर लें भाई। हाँ जी प्रधान जी, राम राम। राम राम जी। तो प्रधान जी भवानी खेड़ा तो उम्मीदवार मिल गया, तो क्यों उम्मीद रखो आपके भाई ये काम होने चाहिए? देखो काम तो जी यहाँ बच्चे को खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, ठीक है, कोई पानी की और सब भैया ने अपना प्रस्ताव रख दिया, ये गुलाब सिंह पार्क ढंग से नहीं है, 15 अगस्त इस पर झंडा फहराया नहीं था कोई, ये पुराना झंडा लग रहा है, ठीक है। हमने कस्बे ने अपना मंत्री बनाया, वो हमारे मंत्री जी और कहीं झंडा फहरा रहे हैं, अगले के मंत्री और कहीं फहरा रहे हैं, क्या यहाँ जहाँ खावा जिसकी खावा बाकड़ी उसकी गाँव आतरी, यही बात ना भाई। मैं दूध तो तारा भैंस का पी के जाऊँ और फिर परस ही जाके तमने गाड़ पकूँ, वो काम भी नहीं होना चाहिए। शहर का पूरा 36 बिरादरी के ये लोग थे, 36 हमारे हैं नहीं, 33 बिरादरी हमारे जोड़ में बैठी थी कापी किताब तय, तो यहाँ पर्सनल आदमी देखो जो फोन करया और ग्रुप में भेजा अनाउंसमेंट करवाए के, ये इसीलिए जो चुनिंदा लोग थे वो आज इसके लिए बुलाए थे भाई। अगर कोई सी भी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी न विरोध न पक्ष यहाँ कोई नहीं है, ये सामूहिक पंचायत इसलिए थी भाई हमारा शहर में टिकट दी जाए, हमारे को कोई हमारा मंत्री MLA कोई नहीं बनया है, रही आसपास के गांव की, हमारा उन गांव से कोई विरोध नहीं है, हम किसी की टिकट कटवाने के लिए नहीं लग रहे, हम अपने लिए मांग रहे हैं शहर के लिए। शहर में अगर किसी को टिकट लेते हैं तो अकेला शहर नहीं होगा, यहाँ तहसील भी है, लोग काम भी आए हैं। मारा विचार यो है भाई अगर MLA की टिकट शहर में मिल गई, MLA शहर में बन गया तो शहर में बिठा के रखेंगे, काम करवाएंगे लोगों के और उसने करने भी पड़ेंगे, जब इतना दबाव से एक आदमी कोई भी चुना जाएगा तो उसने काम भी करने पड़ेंगे, यह बात निश्चिंत है। तहसील उ है, थाना उ है, भाई डिग्गी बन गई, चलो कदे पानी आओ है कदे कौन आंदा, ये मारा गाँव में कॉलेज बना दिया भाई, ठीक है बहुत बढ़िया कॉलेज बना, अरे सीट तो कौन है, मास्टर तो कौन है, अस्पताल में 50 बेड का अस्पताल, डॉक्टर को नहीं, सुआ सुई को नहीं, करेगा के आदमी, या तो बताओ क्या 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 इंसान को। एक ऐसा है वोट देने से कुछ नहीं होता, वोट दे दिया बन गया, अगला अपना काम करा, हम अपना काम करा। वोट का मतलब वो है भाई जिस पार्टी का नुमाइंदा बनया उस पार्टी की सरकार बनी, उसने काम गाँव के कराने चाहिए, क्या जो जिसको वोट दिया है क्या आज तक उसी का काम होया? वोट देनी है तो बेचारे गाँव में हंडी जाए और ले जाए पाँच सौ तो बड़े लुंगड़ है, कोई ठेके लेनी यार कोई और लेनी, हमने नुए कौन बेरा पटा है, ये रास्ते कड़े कड़े जा है। प्रधान जी आपकी बात मैं काटूंगा, मैं पूछना चाहूँ किसी कारणवश एक पॉइंट माइनस एक पॉइंट अगर टिकट कटा है तो भवानी खेड़ा के करेगा बहिष्कार करेगा वो या जो फैसला लेगा या जो निर्दलीय विधायक वो फैसला लेगा भाई के बरा सारा गांव इकट्ठा हो गया वोट डालना ही नहीं भाई, हम किसी पार्टी को नहीं डालते, जब जिस पार्टी ने यहाँ का मान सम्मान नहीं रखा भाई, शहर ने टिकट मांगी है 20,000 वोट उसके पीछे खड़े हैं, जिसका भी देखो कपिल भाई इसमें ये नहीं होता भाई फलाना नाम बढ़िया है टिकड़ा नाम बढ़िया है, हरिजन की टिकट है, हरिजन न किसी ने भी मिल जाओ, न कोई उर जातीय समीकरण है न कोई और है, हरिजन को टिकट भवानी खेड़ा शहर का जो नुआ मान लो आदमी है उसको अगर टिकट मिलेगी तो पूरी तरह सोच विचार किया जाएगा और उसके खिलाफ नहीं मतलब बढ़िया उसकी पैरवी करी जाएगी और कोशिश करेंगे भाई उसको विधायक बनाया जाए। और सारा गाम राम भाई आया है, न उरे कोई किसी का वो है, न किसी का जलूस काटना, न आपस में कोई वो करना, सीधी पादरा काम है भाई शहर को टिकट दी जा, शहर का आदमी होना चाहिए बस। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो भाई इस वक्त हम मौजूद थे भवानी खेड़ा के अंदर, लगातार जो पंचायतें होने लग रही हैं कि भाई हमारी गांव का उम्मीदवार होना चाहिए, मेरे ख्याल से तीसरी पंचायत ये बताई जा रही है, तो और भी बातचीत कर ले। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम भाई साहब ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। क्या लगता है पार्टी मतलब दिल्ली की दिल्ली जो सारी की सारी CID है ना वो भवानी खेड़ा बुला दे है जिस दिन मेरा पट्ट पंचायत होनी है? भाई साहब देखो मैं बताऊँ, आदमी की पहली पैड़ी हुआ अगर सीधा बाबा कोई नहीं बने अगर, सारे में पहले बाप बने अगर, पैड़ी दर पैड़ी उसके बालक होंगे जब बाप बनेगा वो। सबसे बड़ी पहल है ना जो जिस तरह नुका भी MLA नू काम कौन करता, सबसे बड़ी बात हो गांव का जो राजा है ना चेयरमैन वो किस डाल का है,
एक बीजेपी रुक के मारे सनातन धर्म, सनातन धर्म देखो हम भी सनातनी हाँ, लेकिन लक्ष्मीचंद पहले कह गया अक्षत्री रक्षा करा करें थे ब्राह्मण वेदाचारी धर्म सनातन भूल गए अड़ फिर दुनिया मारी मारी। तो देखो राज तो क्षत्रिय कर सके, मैं को जाति विशेष का नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। नंबर दो बात एमएलए की बात रही, एमएलए की बात यह रही इब महाभारत हुई थी ना उस टाइम कौरव पांडव रोड़ा खत्म हो गया, कृष्ण भगवान घूम घूम देखा था, कड़ा धर्म का लाभ हुआ, कड़ा धर्म की हानि हुई। तो पीछे देखो महाराज इस टाइम तो वोट बने हैं ना, उस टाइम तो भी रामकिशन फौजी भी एमएलए रहा है, विशंबर वाल्मीकि भी रहा है, आप तुलना करके देखो ना, विशंबर वाल्मीकि एमएलए था उस टाइम, उसके चेयरमैन भी थे, उसे क्या आगे सरकार के बने सब ने बेरा है नुगुंगा के बीण बजाए तो आनी जानी से कोनी। इब गाम राम नुगा पानी की समस्या, पानी का मुद्दा ठा लो, किसने बनवाई थी डिग्गी, कॉलेज बालक आज शिक्षित हो रहे किसने बनवाया थे वो तो चलो भाई साहब बाद की बात थी और पहला की बात थी, बात कराएं बुवाणी खेड़ा की। एक बात और रहेगी गाम राम नु कहना ये बुवाणी के जिक्र है भाई साहब, ईब नु कहते हैं पार्क कोनी गाम में, पार्क कोनी 1,65,00,000 रुपये नहीं आया तो मैं मेरे मुँह पर थुकवा लूँ, बुलाओ सेक्रेटरी ने, फिर वो भाई राजा खा जाए तो के रोड़ा नहीं आए हो तो रिकॉर्ड खुलवाओ आप में मीडिया माध्यम तक कहूँ। आज का तो मुद्दा यो था ना भाई साहब की बवानी खड़ा था हम लोग उम्मीदवार खड़ा करा मुद्दा, मुद्दा काम किसने करे हैं। एक मिनट 10 साल हो गए बीजेपी सरकार ने, कोई विकास नाम की चीज नहीं, यो 13.5 लाख का खंबा दिखाइयो भाई, 13.5 लाख का खंबा, आज एक मिनट पटोड़ा झंडा, ये 3.5 करोड़ की यह बन रही झील जिसमें पटेरा खड़िया है, मानस तोड़ जाए कड़ेगा पार्क बन जा रहे। अच्छा जिस पार्क में खड़े हाँ जो शहर के बीच में पार्क से, इसमें 10 साल के भीतर जो को 5 पीछे लागण का को लाइट या को बैठन का उठन का कोई भी सिस्टम हो तो एमएलए से 95% आदमी नू कहेंगे अब विशंबर वाल्मीकि आ रहा है देखा भाई ना भी कौन देखा जानो दो भाई ना कौन जानते 5% 2% इसे आदमी से अगर वह भी छक छक के वह भी अली मार दो रहे कांग्रेस में रामकिशन फौजी ने जो विकास करे अनुका अगर करोड़ा किसी का व्यर्थ नहीं कहना चाहिए जो विकास करे 10 साल में रामकिशन फौजी ने और जो 10 साल में बीजेपी का युवराज रहा नू एक उसके 5 काम आगे तुलना कराए जो राम विशंबर वाल्मीकि का 1 काम गिना ये 1 काम यो कर कोई आन का काम नहीं किते को मृत्यु हो जैसे कोई आन का काम नहीं कोई ब्याह शादी में से कूड़े उड़ान का जान का काम नहीं रात न 11-12 बजे एक जगह से आया करदा उड़ा खाया पी करी और ले गया जने तिउडारी। तो भाई साहब इसके अलावा मैं बात कर लियो आपका 10 साल पहले 10 साल पहले रामकिशन फौजी जी थे उन्होंने इतना जबरदस्त विकास कराया आप लोग कहने लग रहे हो तो फिर आरण का के कारण रहा बदलाव प्रकृति का नहीं का बदलाव। अरे ये मोदी लहर जो झूठी लहर चली थी अब मोदी की जो बात थी वो लोगों का दिमाग मन हुआ कि वो कुछ करेगा उसने कुछ करके नहीं दिखाया ढोंगते नहरा 15 लाख खत्म आओगे बैंक में लाती देश की आज कागज पूरे को नहीं होने लग रहे आज हम किसी को काम के खातर कागज लेके जावा हाँ तो हम बैणी चले गए आज यो काट दिया यो कोलिया आगे वो बनवाया आज यो कोनी वो बनवाया बैणी के अरबुआणी के नु चक्कर बैंक में लाइन लगा दी कर्मचारी इतना दुखी कर दिया बैंक में कर्मचारी आके काम हुआ करता पीछे का लेन देन का फिर उस पर पिल्सन सौंप दी फिर उस पर कि मैं और सौंप दिया कि मैं और सौंप दिया 5 बजे छुट्टी करके चले जाया कर दिया आज बैंक का ने 8 बजे बता के जहाँ से काम इतना सौंप दिया सब कि मैं तो दुखी कर दिया नर्म नर्म एक मिनट भाई साहब एक मिनट तब बोल लिए तेरे मौका देंगे हाँ जब बाद नर में पानी 42 दिन का हफ्ता कर दिया हफ्ता में एक मिनट भाई साहब चौधरी बंसीलाल ने कराया था चौधरी बंसीलाल ने तो काई भी लाई थी चौधरी बंसीलाल ने तो काई भी लाई थी बात सुन तने मौका देंगे बस देशराज बोलिए 42 दिन का हफ्ता कर दिया उसमें 1.5 दिन पानी को नहीं आंदा सामने मर वादू में जित गांव में शहर में पीने का पानी 10 दिन में 12 दिन में आवस है नहर में पानी नहीं तो करता होगा और वो आवस है वो इस आवस है सीवर श्यावर के मिल में लाके वो आवस है मंत्री जी तो कोई जा पानी साली जाए बकवास कर मंत्री कांग्रेस ही है कांग्रेस एक मिनट मंत्री जी ने नुए कौन मेरा सुंदर बना से नहर करे से दो महीने पानी इसी ब्रांड में किसी ने भी आके नहीं गई आड़े दो महीने इसी दुर्गति रही गांव की कोई नेता कोई आया हो द्वार तक गंगा जल आ गया ना नू बोतल में पानी आ गया नू का गया मुंह धो ले बेटा नहाने की जरूरत अच्छा फिर नू का है विकास विकास अब बीजेपी ने यो विकास कर दिया अरे देखो तो पट्टी को मंत्री तो विकास देखो कई विकास से विकास की बात ही है पत्रकार मुद्दे देखिए 10 डंग बयाज झील है
यो कुंड बन रहा है मानस मारण का जैसे को गाम राम के खड़े दो मर लिए भाई जैसे झील कहना तो पूछ ले यो मौत का कुंड बन रहा है जीव जंतु रक्षा करना यो तो सनातनी धर्म होगा फिर क्यों बोला बनाए रहे रुक के मार मार अड़ जीव जंतु डांगर भैंसे सारे भाई पहले गांव भैंस लिया कर दे अड़ नु आ कर दे अरीब ईवी सड़े हाड़े भूडी बीमारियां नहर की बात करो एक एक मिनट एक जगह एक जगह एक जगह मंत्री जी की तो बढ़िया भाई साहब मंत्री जी की बढ़िया बैठक थी एक जगह मंत्री जी की बहुत बढ़िया बैठक थी और उस एक मिनट भाई मंत्री जी की बहुत बढ़िया बैठक थी और उड़ा मौत हो गया है उड़ा मौत हो गया है और मंत्री जी उड़ा नहीं पहुंचते तो एक उसका वर्कर का है अगजी आप उड़ा पहुंचे को न्या उनका एक मौत हो रही थी बोला भाई कद को नहीं पहुंचे अगली बार दो घंटे फालतू बैठे होगा इन बातों का ज्ञान सुनना है अभी और मौत करूंगा होगा नेती बिल्कुल बिल्कुल तो भाई जो कहने लग रहे हैं विकास नहीं है और नहीं है और भी बातचीत कर लिया देखो हर किसी का हर कोई पार्टी का होया करे भाई ऐसा मैं नहीं कहता कहने लग रहे हैं तो रुक जाए एक बारी तो बातचीत कर लिया भाई आज जिस तरह पंचायत तो नहीं थी भाई साहब बिल्कुल निष्पक्ष भाई मां हमने किसे उम्मीदवार तक किमे लेना देना नहीं किसे पार्टी तक लेना देना नहीं आप तो पार्टी बात पा गए आज इस तरह बवानी खेड़न मान लिया पहल करी बहुत बढ़िया यह पहल करने का टाइम था इससे 6 महीने पहला साल पहला जिस ट्रेन की अभी हम टिकट लेने लग रहे हैं मैं सच्ची बात कहना कहा हूँ जिस ट्रेन की हम टिकट लेने लग रहे हैं वह टिकट दिल्ली स्टेशन पर जाली सूट एक मिनट नहीं भाई नू नहीं कहा झूठी बात का कोई धन को ना नू कुकर मिल जाएगी अच्छा एक बात और आज आप एक मिनट आज आप खड़े हैं अपन किस किस ला ली अपना देखो इस सरकार ने ना देखो एक मिनट भाई साहब एक मिनट सरकार ने ना सरकार एक मिनट भाई सरकार ने देखो शहीदा का सम्मान करया ना एक बार कैमरा घुमाइए सही दे होगा शहीद होगा और ये उरन है एक मिनट भाई पत्रकार महोदय एक बार इन पाइपा कान लगाए झूलन खातर फांसी खान ने पाइप लाई फांसी खान ने जेवड़े जेवड़े बता यो हाल है और एक बार वो अपना तिरंगा झंडा और देखा दे या जो गांव की टिकट की बात है पहले तो गांव के एमसी लगा लो चेयरमैन लगा लो गांव का चेयरमैन बीजेपी का है झंडा पट्टे उड़ा है यो फहरादे हैं और 10 आदमी उससे वीडियो ने बना के मन ने फैला दी वो काम हो रहा गांव में एमसीआई ने काम नहीं कराया चेयरमैन ने काम नहीं कराया आगे के गारंटी है वो विधायक बन गया काम करा हुआ बाई चांस उसने इबे गांव बेच खाया तो आगे की कहते चलिए इबे जो टिकट मांगा है इनमें एक कैंडिडेट का इब लग नाम एक मिनट संदीप भाई इब लग इनमें एक कैंडिडेट का नाम फाइनल को नहीं होया इब मान ली आज जो पंचायत हुई है इसमें जो भी 10-15 जो भी बुआ के टिकट था यो भी आपकी वीडियो बना देगा कि यार उसने तो उसका तो पल्ला को नहीं मन्ने या कट्ठी करिए पंचायत मन्ने कट्ठी करी पंचायत इन मगे पहले इनने कहा एक को नहीं कि हम किसने टिकट दुआवांगे नहीं पंचायत होगी भाई हमने यो आदमी पक्का कर दिया इब गाम राम बताओ इसका साथ दोगे कि नहीं दोगे 2-3 आदमी हमने फाइनल कर दिया गाम राम सहमति दिखाओ इब गाम राम का बना रखा मोर इब जो लहर है लहर के अगले सिस्टम होगा कि लहर में जाओ कोई भी आदमी बड़े बड़े नेता पलटी मार जाए ये तो छोटा सा गांव से वीरेंद्र डूमर खाबर कस्बा लगा लो वीरेंद्र डूमर खाबर का पलटी मार गया और मारने लग रहे हैं ये लहर के खिलाफत में जाके गांव ने काम करें काल ने कोई एक्स वाई जेड किसी भी पार्टी का विधायक बन गया बुआनी खेड़ा में बस आओगा नहीं भाई साहब कोई कार्यकर्ता काफी टाइम तक लाग रहा गांव राम खान देख के लाग रहा यो गांव का बना मोर और ये सिर्फ राजनीति की भाई गुंगा फौजी के लाग रहा गुंगा की तड़ी काट दो वो बीजेपी के लाग रहा अपना काम की नहीं गिंडी बनाओ है भाई साहब निर्दलीय जो ठाव है ना उन तनु पूछो एमसी में वोट में जो उठ रहा है उसके 140 पर्ची भी आ रहे हो विधायक कुकर बन जाएगा गाम राम कोई पैसा नहीं लगा होगा भाई साहब यह बनाओ बेवकूफ और भाई साहब गाम की आंधी और टिकट और ईब तो आनी है को नहीं जो भाई साहब ने बता दी फाइनल होली ओढ़े लोग 20-20 दिन हो गए महीना हो गए पड़े हैं और जो हल्का में घूमने लग रहे हैं 10 साल तक उनने टेंशन हो रही है भिन्ना थोड़ा पड़े हैं गाम राम ने टिकट मिला कि तो खरकड़ंगा भी चला जाएगा तिगड़ाना भी बड़ा गाम हमने टिकट दे दो तड़का दड़ाना मांगेगा टिकट
तड़का धड़ाना मांगेगा टिकट, ऐसे कद्दे टिकट कौन मिला अगर भाई साहब। 56 गांव हो अगर पहले गांव की मां पंचायत या सिर्फ बेरा के हो है, 10 गांव के जो ये कार्यकर्ता है, कोई उस आपके 10 आदमी बुला लिए, किसी ने आपके बुला लिए, कहना हजार भाई साहब टेंट बहुत हो है। दीपेंद्र उड़ाया उस टाइम 2000 थी भाई साहब, गांव में जाम लग गया था, इन हजार का कम से कम मैं बताऊँ 150 या 200, इससे ज्यादा 200 में भी ये लगा लो कि हर आदमी अपने एजेंट ले रहा था, 10 भाई तने मेरा करना। इवरा जो मीटिंग हुई किसी ने किसी का नाम टेक किया कि भाई हमने इस पर सहमति दिखा दी, वो आके माइक पकड़ ले है, मन ने नू करा, दूसरा आके माइक पकड़ ले, मन ने करा, अरे कुका नू तो बता दे तने करा था, एमसी था, चेयरमैन था, तने क्या करा, इब तो विधायक का के लाग रहा है। गाँव में यह है कि भाई साहब लहर है, कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में लहर है, 80 सीट भी आ जाए तो कोई ताजुब भी नहीं है। तो भाई लहर के साथ लागो, काम का भी गांव का विकास होगा, मारा विकास होगा। भाई इवनु बता दो, गांव में एक बात बताओ, चेयरमैन खुद बीजेपी का पट्टेड़ा झंडा फहरा दे 15 अगस्त पे कि भाई यो वो तो झंडा नहीं लेके बेटा बेटा सुने बीजे सुनो एक और बताओ भाई साहब सुने नुबले सुनो था जीव जीव कौन देखी भाई था हमने कितना विकास था के विकास की बात यह है, गांव में कोली जा रहा है, डिग्गी बन रही, कोई नुका आईटीआई को नहीं आई, अरे सारा काम बुआनी खेड़ा करा देगा के इन्हें नू पूछो बुआनी खेड़ा में गांव कितने भाई यार, गांव के लग काम कराने पड़े हैं, बुआनी खेड़ा में जितने काम करा दिए नहीं किसी कराए भी को नहीं, छोरे लागे तो खड़ा कड़ंगे के लागे वो जीते उसका किला भाई, कांग्रेस सरकार में भी लागे हैं भाई। बात यह है गांव का बना रखा मोर, ना गांव साथ दे, ना गांव का कैंडिडेट ने टिकट मिला, और टिकट मिलेगी तो बहिष्कार करेंगे भाई, मिला भी को नहीं।